और आज हम बंगाल चले, हम की शुरुआत फूलों की महक से करेंगे। जी हाँ, हम पहुँचे हैं हावड़ा की फ्लावर मार्केट में, क्योंकि यहीं से हावड़ा की शुरुआत होती है। नमस्कार, क्या नाम है आपका? शशिकांत सिंह। शशिकांत सिंह जी, फूलों का बाजार है, पूरा महक रहा है, लेकिन बंगाल की राजनीति में कौन महकेगा, कौन? ममता दीदी। ममता दीदी, क्यों? अच्छा है। क्या हो रहा है चुनाव में, क्या चल रहा है, आप लोग के मुद्दे क्या है? आप बीजेपी है। अच्छा, क्यों? वो अच्छा है। बंगाल में क्या चल रहा है, बाकी काम धाम कैसा है आप लोगों का? हाँ, खूब खराब है। खूब खराब है। बात से बात करना चाह रहे हैं, बात नहीं करेंगी? हैं, नमस्ते कर ले, आशीर्वाद तो देंगी। चलिए, नमस्कार। महिलाएं क्या सोचती हैं, महिला का मुद्दा क्या है चुनाव में? कोई महिला क्या सोचती है, कुछ भी तो हम लोग नहीं जानते। आपको ममता दीदी का काम अच्छा लगता है कि नरेंद्र मोदी का काम अच्छा लगता है? मोदी का काम अच्छा, नरेंद्र मोदी का काम अच्छा लगता है। अच्छा, आप दोनों तरफ देखकर तब बोल रही है, क्यों? ये मोदी के फूल मार्केट ममता है। अच्छा, ये मार्केट उसकी है, इसलिए यहाँ बहुत धीरे बोलना पड़ेगा। दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं, और बहुत कष्ट हो रहा है आने, क्या हो गया, आने जाने का बहुत कष्ट हो रहा है। ब्रिज तोड़ दिया, ब्रिज को तोड़ दिया, उसके बाद अभी तक बनाया नहीं। अच्छा, हम लोग भूखा मरेगा, क्या हो गया? अम्मा, अम्मा का ब्रिज नहीं है तो क्या, कैसे हम लोग चलेगा, हम लोग कैसे रहेगा, यहाँ पर ब्रिज नहीं है, हम लोग खाएगा कैसे? इस फूल बाजार से हम चलते हैं प्रसिद्ध हावड़ा ब्रिज की तरफ, और हावड़ा ब्रिज की एक एक तस्वीर आपको दिखाते हो। ये शकरकंदी, थोड़ा खिलाएंगे? खिलाइए, एक प्लेट दीजिए, और लेकिन हमें थोड़ा स्वाद के साथ साथ राजनीति का स्वाद भी बताइएगा, क्या चल रहा है बंगाल में? मीठा लगेगा। खिलाइए, मीठा तो अच्छा है, बंगाल के लिए तो मिठास के लिए जाना जाता है। क्या नाम है आपका? जियालाल शाह। शकरकंदी तो हम लोग खाते ही हैं, थोड़ा स्वाद ले लेते हैं। आपने इतना, आप कितने साल से बेच रहे हो शकरकंदी? कितने साल से बेच रहे हैं? एक डेढ़ महीना हुआ। अच्छा, क्यों, उससे पहले क्या करते थे? मैं जलाता। इस बार बंगाल के चुनाव में क्या हो रहा है? उनको मालूम नहीं, और नेता लोग बताएगा। जनता बताएगी ना, जनता क्या चाह रही है, और नेता लोग बताएगा। नेता तो हमेशा बताते हैं, जनता की बारी तो 5 साल में एक बार आती है अपना नेता चुनने का। आप लोग को क्या लग रहा है, हैं? क्या लग रहा है? अरे हम क्या बताएं, जो ये पैसा दीजिए, चलिए। चलिए, आप पैसा कितना हुआ? 25 रुपया लीजिए। निकल रही है। अच्छा, आपको क्या लगता है, कौन? अच्छा, देखिए क्रॉसिंग खुल गई है, रुको जरा, इनके साथ चलते हुए बात करते हैं, इन लोगों के साथ। क्या नाम है आपका? क्या नारा लगा रहे हैं? पंचू माझी। अभी कौन सा नारा लगा रहे थे? जय श्री राम। अच्छा, क्या हो रहा है बंगाल में? बंगाल में अब सही नहीं हो रहा है। तो चुनाव में क्या करेंगे आप लोग? चुनाव में हम लोग बीजेपी। अच्छा, वोट देंगे। देखिए, अपनी बात करें, बहुत ही व्यस्ततम इलाका है ये पूरा, रेलवे क्रॉसिंग पार कर रहे हैं लोग, और ये लोग रोज कमाने खाने वाले लोग हैं, जय श्री राम के नारों के साथ में आगे बढ़ रहे हैं, और
ये पूरी तस्वीर आप देख रहे हैं जो कि हावड़ा के फूल मार्केट से निकलकर जब हम हावड़ा ब्रिज की तरफ जा रहे थे तो हमें बंद रेलवे क्रॉसिंग मिली और वहां पर हम उतरे, कुछ लोगों से हमने बातचीत की और ये लोग अपनी बात रख रहे हैं, रोज कमाना है, खाना है, यही इनका लक्ष्य है, लेकिन बदलाव चाहते हैं, ऐसा कुछ लोगों का दावा है। चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। नंदलाल जी, आप तो 7000 किलोमीटर गाड़ी चला चुके हैं, थोड़ा सा आप भी विटामिन ले लीजिए। अवश्य अवश्य, जरूरत है। हमारी गाड़ी इस वक्त हावड़ा ब्रिज की पहचान है और हावड़ा ब्रिज को 1943 में जनता के लिए खोल दिया गया था। ये सबसे अहम ब्रिज यहाँ का माना जाता है। इसने कई बदलाव देखे हैं बंगाल में और बंगाल के संकट का भी साक्षी रहा है हावड़ा ब्रिज। बंगाल का अकाल देखा है, द्वितीय विश्व युद्ध देखा है, कविवर रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर, रविंद्र सेतु के नाम से इसे जाना जाता है। यहाँ के जो लोग हैं उनसे हम बात कर रहे हैं और ये पैदल ओवर ब्रिज है जहाँ से लोग गुजरते हैं। आपको बहुत लेट हो रहा होगा, क्या नाम है आपका? एस कुमार। क्या लग रहा है बंगाल के चुनाव में आपकी? मेरे को पता है सर, लेट हो रहा है। दादा नमस्कार। नमस्कार। आमी जी न्यूज से। हाँ बोलिए। की होबे बंगाल में? बंगाल में चुनाव में की होबे आपकी? जैसे हालत देख रहे बीजेपी आएगा लग रहा है। अच्छा हाँ। क्यों दीदी पसंद नहीं आ रही है? दीदी पसंद नहीं है ना, दीदी बहुत, दीदी का चला चंबर बहुत हो गया ना उल्टा पलटा, इसलिए दीदी तेरा बिगड़ जाएगा। अच्छा चलिए, देखिए ये कह रहे हैं कि बहुत चीज़ें हैं जिसकी वजह से दीदी का खेला बिगड़ जाएगा। इतनी रफ्तार में लोग यहाँ से गुजर रहे हैं कि उनसे बात कर पाना इस बीच में, आप देखिए क्या लोगों की स्पीड है यहाँ पर इस हावड़ा ब्रिज पर। जिस रफ्तार से गाड़ियाँ गुजरती हैं उसी रफ्तार से लोग भी गुजरते हैं और यही फोटो यहाँ पर पैदल चलने का रास्ता है। दादा नमस्कार, क्या नाम है आपका? निपल लक्त। क्या करते हैं? ये चक्री गोड़ी। क्या नाम, क्या दुकान है? दुकान है। अच्छा क्या लग रहा है चुनाव में आपकी, क्या हो रहा है दादा? चुनाव बीजेपी आज बाबा क्या बीजेपी है? क्यों एकदम आज तीनों सरकार चले जाओ। क्यों इतना गुस्सा क्यों दीदी से आप लोग? दीदी इलाका इलाका जा गुंडागिरी चलते, जा सिंडिकेट चलते, धारा करा जाबे गुंडागर्दी सब ऑल सब कुछ। आप देखिए तस्वीर, इसमें आप हमें कहीं खोता हुआ पाएंगे। हावड़ा ब्रिज में इतनी भीड़ रहती है और इसी भीड़ में यही भीड़ है और यही जनता है जो बंगाल के चुनाव की दशा दिशा तय करेगी। बंगाल की यह जनता जनार्दन तय करेगी कि बंगाल में कौन आएगा, बंगाल की सत्ता में कौन राज करेगा। और तमाम लोग आपको आते जाते दिखेंगे और कामकाजी लोग हैं ये। अब इस हावड़ा ब्रिज, नमस्कार नमस्कार, কেমন আছেন? খুব ভালো খুব ভালো। খুব ভালো, হ্যাঁ। কি কবে? এখন বলছি এই ইলেকশনে বাবার জিজ্ঞেস করছেন তো? হ্যাঁ। এখন আপনি হিন্দি বলবে? হিন্দি বলতে পারি। ক্যা লাগতা হ্যায় আপকো বঙ্গাল কে চুনাও মে? বহুত বহুত আচ্ছা হ্যায়। আভি তো বিজেপি কে আনে কা বহুত লাগতা হ্যায়, বিজেপি আয়েগা। लेकिन ममता दीदी तो कह रही है बहुत विकास का काम कर दिया है उन्होंने, जनता के लिए बहुत चीजें कर दी है। काम करता ममता दीदी अच्छा है, कोई बात नहीं है, लेकिन उसका जो मंत्री जो चला चामुंडा है ना, वो ये लोग ठीक नहीं। देखिए कह रहे हैं ममता दीदी अच्छी है लेकिन ममता के लोग अच्छे नहीं है और इनके मुताबिक बंगाल में बदलाव हो रहा है। चलते हैं हावड़ा ब्रिज से हावड़ा के और लोगों के पास। चलिए, उस रिक्शे के पास रोकना, देखना इनके ऊपर लगे ना भाई, बचा के चलो, आगे रोकना बीच में, थोड़ा सा बढ़ा लो। कलकत्ता की तरफ जा रहे हैं। भोला घाट में कुछ नेताजी लोग भी दिखाई दे रहे हैं। क्या नाम है आपका भाई साहब? मैं विशाल पांडे हूँ, जी न्यूज दिल्ली से आया हूँ। मेरा नाम हुआ दीपक राय भाई साहब। अच्छा दीपक राय जी। तो यहाँ कैसे आप लोग गंगा किनारे घूम रहे हैं? किस पार्टी से हैं आप?
आप किस पार्टी से हैं? हम बीजेपी से हैं। बीजेपी से? जी। तो बीजेपी वाले बंगाल में घूम पा रहे हैं? एकदम घूम रहे हैं, देखिए आपके सामने घूम रहे हैं। अच्छा, ये गंगा नदी का किनारा है, हावड़ा ब्रिज ठीक हमारे सामने है और नमक गोला घाट ये जगह है जहाँ पर हम पहुँचे हैं। हावड़ा एक प्रमुख औद्योगिक शहर है और यहाँ पर दूर दूर से लोग कमाने आते हैं, जीने आते हैं, अपना घर बार चलाने आते हैं। और हावड़ा में इस बार क्या होगा? शुरुआत हम कुछ युवाओं से करते हैं जो कि नौकरी की तलाश में हैं। क्या नाम है आपका? किरण घोष। किरण घोष, क्या करते हैं आप? डिप्लोमा करते हैं, थर्ड ईयर। क्या उम्मीदें हैं आपकी? अच्छी सरकार आएगी तो जॉब मिलेगी। हम हिंदू हैं, सनातन धर्मी हैं, जय श्री राम बोलते हैं तो आपको चिर क्यों होता है? आप भी जय माँ काली बोलो, जो भी बोलो, हमारे बोलते हैं ना, आप बोल रहे हैं दुर्गा पूजा के भसान में क्यों हाई कोर्ट जाना पड़ा हम लोगों को, क्यों सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा ऑर्डर लेने के लिए? अपने हिंदुस्तान में रह के हिंदू को ऐसे दब के क्यों लाना पड़ता है? ये तो मुद्दा है ही, इसलिए तो परिवर्तन चाहते हैं लोग। क्या नाम है आपका? अश्विनी सिंह। अश्विनी सिंह, क्या करते हैं आप? व्यापार करते हैं। व्यापार करते हैं, कैसा व्यापार? ट्रांसपोर्टेशन से। ट्रांसपोर्टेशन का, अच्छा। तो व्यापारी लोग क्या सोच रहे हैं चुनाव में? परिवर्तन चाह रहा है व्यापार यहाँ बंगाल पूरा। अच्छा, ऐसा क्या कारण है? बंगाल में व्यापार है ही नहीं, खत्म हो गया 5 साल। दीदी को लेफ्ट के अगेंस्ट में वोट हम लोगों ने इसलिए किया था कि यहाँ पे आएंगी दीदी तो इंडस्ट्री ले आएंगी। 10 इंडस्ट्री बड़ी नहीं गिना सकती हैं कि वो बंगाल में लेकर के आई। जो तमाम लोग हैं उनसे हम लगातार बातचीत कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मनीष यादव। मनीष यादव, बंगाल में भी यादव हैं? बंगाल में हर इंडिया, पूरे इंडिया में यादव हैं। अच्छा, तो क्या है आपका दिल कहाँ जा रहा है? यूथ का एक ही चीज़ है कि रोजगार मिले, और यहाँ पर पूरी जो सरकार चल रही है, स्टेट गवर्नमेंट है, वो रोजगार देने में पूरी फेल है। चलिए एक बार हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखिए, गंगा नदी का किनारा है, यहाँ पर पहलवान भी हैं और कसरत भी पहलवान की चल रही है, और यही कसरत कुछ बीजेपी, टीएमसी, कांग्रेस, लेफ्ट वाले भी कर रहे हैं चुनाव जीतने के लिए। लेकिन इनकी कसरत असली है और नेताओं की कसरत कैसी रहने वाली है, हम इन्हीं से जानेंगे। देखिए, सबसे पहले आप तस्वीर देखिए, यहाँ पर नमक गोला घाट पर गाना भी चला रखा है इन्होंने साथ साथ में। क्या नाम है आपका? रवि। रवि, क्या हो रहा है? पहलवानी करते हैं? अच्छा, 2 मिनट बात कर सकते हैं? क्या लग रहा है आपको? आप पहलवानों का, जब आप कुश्ती के मैदान में होते हैं तो दावपेच तो आप बहुत लगाते हैं, राजनीतिक दावपेच कैसा लग रहा है बंगाल में? राजनीतिक में कुछ इंटरेस्टेड नहीं है हम। हाँ, ये सबसे दूरी रहते हैं। किसका काम आपको ज्यादा अच्छा लगता है, दीदी का, मोदी का, किसका, या कांग्रेस लेफ्ट वाले भी गठबंधन में है? मुझे तो मोदी का ही अच्छा लगता है। हाँ, अच्छा, तो चलिए आप तैयारी करिए अपनी, बाकी चुनाव पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम आपको यहाँ नमक गोला घाट हावड़ा ब्रिज से लेकर चलेंगे हावड़ा रेलवे स्टेशन। हावड़ा रेलवे स्टेशन है जो कि 1854 में बना था। पहली ट्रेन हावड़ा से वर्धमान के बीच चली थी यहाँ से, और काफ़ी खूबसूरत रेलवे स्टेशन है। 1000 से ज़्यादा स्टेशन को ये रेलवे स्टेशन कनेक्ट करता है, और यहाँ पर डेली पैसेंजर्स जो आसपास के हैं वो भारी तादाद में आते जाते रहते हैं। ज़रा बताइए, क्या नाम है आपका? सर, अनिल कुमार प्रसाद। सर, अनिल कुमार प्रसाद। अनिल कुमार प्रसाद, तो किसको प्रसाद देंगे इस बार आप? चुनाव का प्रसाद किसको? अच्छा, देंगे चुनाव का प्रसाद? हाँ, चुनाव का प्रसाद यहाँ दीदी को ही मिलने वाला है। अच्छा, क्यों? बहुत सारा ऐसा काम है उन्होंने सबके लिए किया है। अच्छा, देखिए बंगाल में तो एक ही चीज़ है दादा कि दीदी को तो आना ही चाहिए, उनकी वजह से हम लोग खा रहे कमा रहे, गलत नहीं बोलेंगे। दीदी, ऑलवेज ऑलवेज दीदी। अच्छा, मोदी मोदी ना। अच्छा, देखिए ऑलवेज दीदी कह रहे हैं। आपका क्या नाम है? अरिंदम दे जी। अरिंदम जी, मैथमेटिक्स यही बोलता है, दोनों के नीचे के पैर अभी जमा नहीं है।
अच्छा। एक पैर जमाना चाह रहा है और दूसरे का पैर से जमीन खिसक रहा है। कितना किराया हो भैया? अरे आप ये जी 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 ठीक है, धन्यवाद। बेलूर मठ हावड़ा का सबसे प्रमुख केंद्र है क्योंकि आध्यात्मिक शक्ति का यह सबसे बड़ा केंद्र है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बंगाल के दौरे पर आए थे तो एक रात वो भी बेलूर मठ में बिता चुके हैं। यानी यहाँ से स्वामी विवेकानंद ने जो संदेश पूरी दुनिया को दिया, जो उन्होंने संदेश शिकागो में दिया, उसी संदेश को पूरा बंगाल और देश आज फॉलो करता है। तो बेलूर मठ के आसपास के जो लोग आते हैं यहाँ पर, पूरे बंगाल की छवि हमें मिल जाएगी। क्या नाम है आपका? बोनिता चक्रवर्ती। बोनिता चक्रवर्ती। हाँ। आप बेलूर मठ कहाँ पे रहती हैं? हमारी बाड़ी हावड़ा। हावड़ा में है अपनी बाड़ी? हावड़ा। हाँ। अच्छा, तो महिलाएं क्या सोच रही हैं इस बार? मोदी जी अनेक कुछ करे छे, किंतु ममता जी अनेक कुछ करे छे, बंगाल में अनेक कुछ उन्नत हुए छे। सबर में अनेक उन्नत हुए छे। अच्छा, थोड़ा हिंदी में बता पाएंगे? हम समझ नहीं पा रहे हैं, बांग्ला हल्का हल्का सीख रहे हैं। हिंदी नहीं बोल पाते। अच्छा, हम हल्की हल्की बंगाली भाषा सीख रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा अगर आप और समझाइए तो क्या कहा इन्होंने? इन्होंने कहा कि मोदी जी ने जो है अच्छा काम किया है। हाँ। जैसे तो आगे आप अपनी तरफ से बता रहे, जैसे तो नहीं बोला था आपने कुछ भी है? आपने सिर्फ इतना बोला कि मोदी जी ने अच्छा काम किया और दीदी ने भी अच्छा काम किया। अच्छा, अब आगे आगे आप अपने आप जोड़ रहे थे इन्होंने क्या बोला है, बताइए। चलिए अपने मन की बात बताइए। ममता ने भी कुछ किया है, ममता दीदी ने कुछ किया है या मोदी ने भी कुछ किया है, ऐसे ही कुछ बोल रहे थे। तो फिर जब दोनों ने किया, इस बार चुनाव में कौन जीतेगा? फिर इस चुनाव में तो मोदी जी जीतेगा, मोदी जी आएगा। आपको मोदी जी? हाँ, वो ज्यादा रहे, आराम से गिरने नहीं देंगे आपको। घंटी बज रही है आपकी? थोड़ा थोड़ा। तो किसकी घंटी बजाएंगे चुनाव में आप? घंटी बजेंगे तृणमूल। तृणमूल? तृणमूल। अच्छा, पॉलिटिक्स करके इतना गैस बढ़ता है, आप सब्सिडी देता है, सब्सिडी तुल दिया, पॉलिटिक्स चलेगा नहीं। तो देखिए, दादा ने बता दिया घंटी किसकी बजने वाली है, थोड़ा हम भी बजाएं घंटी आपके साथ। चलिए, खाना पीना समय पे मिल रहा है बंगाल में? यही तो खाना मिल रहा है अभी, अपना कमाइए तो खाइए, नहीं तो कौन पूछने वाला है? पेट कमाइएगा तो खाइएगा, नहीं खाए मैं ये क्या खिला पूछने वाला है? कोई पूछने वाला है नहीं। क्यों, यहाँ तो यहाँ तो मतलब क्या? सरकार कहती है कि हम क्या? हर गरीब तक खाना पहुँचा रहे हैं, राशन पहुँचा रहे हैं। अब हमारा पास तो नहीं मिल रहा है, अब किसका पास मिला? उसको मिला, हमको तो नहीं मिला था, हम कैसे बोले? हमको तो नहीं मिला है। अरे लॉकडाउन में भी यदि हम बोलने गए तो हमको बोलता है कि जाओ लीडर को, नेता को पकड़ के लाओ तो तुमको मिलेगा, नहीं तो भूखा मरो। लॉकडाउन में, इतना लॉकडाउन में कोई पूछा? कोई नहीं पूछा। एक टाइम का रात में होटल में खाना लाते रहे तो तीन टाइम बासी सब्जी खा करके तीन टाइम गुजारते रहे। सब्जी को नमक में, रोटी को नमक में घोल करके सूख जाता रहे तो खाते रहे। आज पूछा कि क्यों पूछ रहा है, कमा रहा है तो खा रहा है, नहीं तो कोई पूछने वाला नहीं है। हमने पूरा दिन हावड़ा में बिताया, हावड़ा के अलग अलग इलाकों में गए और इस वक्त मैं विद्यासागर सेतु पर मौजूद हूँ। ये नबन्ना है, वो नबन्ना जो कि 2011 में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने खास तौर पर बनवाया। यानी 34 साल का जो शासन था वामपंथ का, जब उसका अंत हुआ पश्चिम बंगाल में, उसके बाद ममता बनर्जी ने सचिवालय को राइटर्स बिल्डिंग से उठाकर नबन्ना में शिफ्ट कर दिया। लेकिन 2021 में नबन्ना में कुर्सी पर कौन बैठेगा, सभी की निगाहें इसी पर हैं। हावड़ा से बंगाल चले हम में इतना ही, कल आपसे पश्चिम बंगाल के किसी और शहर में मुलाकात होगी। आप देखते रहिए बंगाल चले हम